एवरीवन, मैं हूँ सुरेखा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रेडियंट सुरेखा में। तो आज के वीडियो में हम ये वाला लुक करने वाले हैं। ये होने वाला है हमारा ईद स्पेशल मेकअप लुक। होप कि आपको ये पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, एंड जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। पहले यहाँ मैं अपना फेस वॉश कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये लॉरियल पेरिस का क्रिस्टल माइक्रो एसेंस, जिसे एज ए टोनर मैंने यहाँ अच्छे से अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड सीरम, जो कि रियली बहुत ज़्यादा अच्छा सीरम है। इसको अच्छे से मैंने अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये वाओ स्किन साइंस की सनस्क्रीन, जिसमें है SPF 55, जो कि ऑल स्किन टाइप को सूट करता है और बहुत अच्छा वाला सनस्क्रीन है। क्योंकि यहाँ हम डे टाइम मेकअप कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ सनस्क्रीन यूज़ किया है। इसके बाद हमें 2 मिनट रुकना है। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। इसको जहाँ मेरे थोड़े बहुत पोर्स हैं वहाँ मैं अप्लाई करूँगी। देन थोड़ा सा प्राइमर अपने कंप्लीट फेस पर अप्लाई करूँगी ताकि मुझे स्मूथ सरफेस मिल जाए अपने बेस के लिए। देन मैंने यहाँ यूज़ किया है ये मेबेलिन का कंसीलर, जिसको मैं अपने आईलेट पर, अपनी अंडर आई एरिया पर, अपनी आईब्रोज के ऊपर एंड जहाँ जहाँ मुझे अपना फेस कंसील करना था वहाँ पर अप्लाई कर लिया है। देन मैंने ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड किया है। देन मैंने यहाँ यूज़ किया है ये शुगर का 24 और फुल कवरेज फाउंडेशन। इसको अच्छे से फिंगर की हेल्प से मैंने वार्म अप कर लिया है। देन मैंने फिंगर की हेल्प से अपने कंप्लीट फेस पर इसे अप्लाई कर लिया है, अपनी नेक पर भी अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैंने एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देन मैंने यहाँ यूज़ किया है ये लिप बाम मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। इसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है ये शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर। इसको मैंने अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है ताकि मेरा बेस जो है वो लॉक हो जाए। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वेल का आईब्रो पैलेट, जिसमें से सबसे पहले मैं अपने आईब्रोज को ब्रश की हेल्प से कॉम्ब कर लूँगी। देन मैं ये जो डार्क ब्राउन शेड है उससे अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। मैंने अपनी थ्रेडिंग बनवाई हुआ काफ़ी टाइम हो गया है, इसकी वजह से नहीं काफ़ी ज़्यादा थिक दिख रही होंगी आपको, बट प्लीज़ इग्नोर इट। इसके बाद मैंने यहाँ एक कंसीलर अपनी आईब्रोज के ऊपर और नीचे अप्लाई किया है। देन उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है ताकि मेरी जो आईब्रोज है ना वो क्लीन दिखें और अच्छे से डिफाइन दिखें। आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट, जिसमें से मैंने जो कॉन्टोर शेड है उसको एक ब्रश की हेल्प से पिक किया है और उससे अच्छे से अपनी जॉ लाइन को, अपने चिक बोन्स को, अपनी नोज को कॉन्टोर कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश, जो कि बहुत ही नेचुरल है, बहुत प्यारा सा लगता है आपके चिक्स पर। इसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है ये इनसाइड कॉस्मेटिक का हाइलाइटर, जिसको आप सबसे पहले अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लो, देन ब्रश की हेल्प से आप इसे ब्लेंड कर सकते हो। आई थिंक हाइलाइटर के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत प्यारा ग्लो देता है ये। इसके बाद मैंने यहाँ यूज़ किया है ये ब्यूटी ग्लेस का कलर बोर्ड पैलेट, जिसमें से मैंने सबसे पहले पाइन ग्रीन कलर लिया है लाइट शेड में, जिसको एज ए ट्रांजिशन शेड मैंने यहाँ यूज़ किया है। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लाइम ग्रीन कलर, जिसको मैं अच्छे से अपने आउटर वी पर प्लेस करके उसे ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ एक लाइट पिंक कलर का शेड लिया था पहले और उसको अपने इनर वी पर अप्लाई किया। देन मैंने यहाँ एक शिमरी शेड लिया था ग्रीन कलर का और उसको अपने आउटर वी पर प्लेस किया था। इसके बाद एक शैम्पिन कलर लेकर मैंने अपनी इनर वी पर उसे पहले अप्लाई किया और लास्ट में मैंने एक डार्क पिंक कलर का शेड अपनी इनर वी पर अप्लाई करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। इसके बाद हम यहाँ ले रहे हैं ये मेबेलिन का कोलोसल आईलाइनर, जिसे यहाँ मैं विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। सेम ऐसे ही मैं अपनी दूसरी आई पर भी आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। इसके बाद हम यहाँ ले रहे हैं ये फेसेस कैनेडा का मैग्नेट मस्कारा, जिसे मैं अपनी अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। देन यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ये प्लम का ब्लैक काजल, बहुत अच्छा वाला काजल है, मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है ये। लास्ट में मैंने यहाँ फाल्स आई लैशेज को अप्लाई करके अपने आई लुक को कम्प्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे एब्सोल्यूट का स्पॉटलाइट लिप ग्लॉस, जिसमें जो मेरा शेड है वो है रियू स्टफी एंड बहुत ही प्यारा शेड है एज यू कैन सी। इसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये कारा मिया की लिपस्टिक, जिसमें जो मेरा शेड है वो है 08 मॉव, बहुत ही प्यारा शेड है। इसको मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी और लिप्स पर अप्लाई करने के बाद आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना ये वाला शेड। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, लिप ग्लॉस और इस वाले लिपस्टिक का, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया।
एंड एज यू कैन सी पूरा लुक ही चेंज कर दिया इस वाले लिपस्टिक ने मेरी तरफ से ना। एक बार आप ये लैक्मे एब्सोल्यूट के जो लिप ग्लॉस है ना एक बार बिल्कुल ट्राई करना, आपको 99% पसंद आएंगे, बहुत अच्छे वाले लिप ग्लॉस हैं ये। और लास्ट में ये रहा हमारा ईद स्पेशल मेकअप लुक, मैंने फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके से क्रिएट किया है। होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।